मेहर को सिमी ले गई अपने साथ, फूट फूट कर रोया अरमान, आजमाने बढ़ाया अरमान का हौसला। 200 सीरियल उडारिया में आ रहे हैं ढेर सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अरमान बुरी तरह से टूट जाएगा। अरमान कहेगा कि मेहर मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, मेरा खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो मुझसे दूर चली जाएगी। मैंने उसे कितना प्यार दिया है और एक दिन उसकी माँ आकर कहेगी कि तुम्हारी बेटी नहीं है। ये सब सोच कर फूट फूट कर रोने लगता है अरमान। ऐसे में अरमान भीग रहा होता है, आजमा आ जाती है और कहती है कि अरमान भीगो मत, बीमार पड़ जाओगे। ऐसे में अरमान कहता है फिक्र मत करो, नहीं मरूंगा मैं, मेरी किस्मत में दर्द ही लिखे हैं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं। ऐसे में अरमान अपनी किस्मत को कोसता है, तभी आजमा बढ़ाती है अरमान का हौसला। आजमा कहती है फिक्र मत करो अरमान, मैं रब से अरदास करूंगी और तुम पर रब की मेहर बनी रहेगी। ऐसे में आजमा कहती है मुझे पता है तुम बेस्ट फादर हो और मेहर तुम्हें डिजर्व करती है। ऐसे में अरमान बहुत टूट जाता है और आजमा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। एक और सिमी मेहर को अपने साथ लेकर चली गई है, जिस वजह से अब अरमान की उम्मीदें टूट चुकी है। आपको बता दें अरमान मेहर के साथ बहुत खुश था, तभी अरमान की लाइफ में आया तूफान और सिमी ने कहा मैं मेहर की माँ हूँ। ऐसे में किसी को नहीं पता कि सिमी मेहर की असली माँ भी है या नहीं। अब देखना होगा क्या आजमा करेगी इस बात का पर्दाफाश, क्या मेहर को फिर से अरमान से मिला देगी, क्या सिमी का राज खुलेगा सबके सामने, क्या सिमी का अचानक से यूं आना है आलिया की चाल। आपको बता दें आलिया इस वक्त हॉस्पिटल में है, अपने कर्मों की सजा काट रही है, बुरी तरह से घायल है। ऐसे में अब देखना होगा आलिया क्या हॉस्पिटल से भी चल रही है चाल और उसी ने सिमी को भेजा है ताकि मेहर अरमान से दूर हो जाए। क्या लगता है आपको इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।